बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों सारे मेरे प्यारे भावानों। अल्लाह पाक हमेशा तेरे खुश रखे, आबाद रखे, जेरे दुख तकलीफ अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तेरी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुमा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम साडा चैनल देसी विलेज ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जरा बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि सारी आने वाली हर वीडियो पर वक्त तेरे मिल सके। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम उठी हाँ तो नमाज पढ़ी है, तो हम मैं बाहर आई हाँ, बहुत ज़्यादा नींद आई है। गड्डिया दोनों भाई आसफ दी थी अपनी बाहर खड़ी सी, है कनोपी लग गई है जानवर। ऐ चोटी पता नहीं केड़ी खुली सुबह सुबह। अच्छा जी, एक बच्ची बोल रही है कि दूध निकालो मैं भूख लगी है। चलो बाहर ऐ वाली मजा दूध मैं निकालना, पट्ठे खा रही है। दूध निकाल लिया, अम्मी जी उन्हें लेके जा रहे हैं। एक मज़ का मैं निकाल लिया, गाय अम्मी जी उन्होंने चाहिए, तो मुर्गियाँ सेहरे सैर सपाटा जरा करन दई वा, तो होर कट्टा जिम्मा कर लिया वा। ऐ जो उरला टायर आ इतने बनिया सी, तो है ना जिम्मा कर लिया वा, तो हम होर चट में सच होनी आ जाएगी किनिया देगा पा, तो फिर पकान के तो इन्नी तेल ज़्यादा पी है ना, तो मैं देखती हाँ भी इतने की इंतजाम किए हुए हैं। फिर तो आ जाना वा, मतलब मेहमाना ने आना शुरू हो जाना, गाँव वाले भी अज आन गए। अज जरा सारा बालन है ना, आ सारा अज लग लुग जाना वा, जरा ब्याह वा ये अबू जी उन्होंने शादियाँ ब्याह ले रखा हुआ। अरे कहते जरा उरला मुंड है ना बंदा यही रख दे चुल्हे में, स्टैंड भी नाल। हाँ जी, वह स्टैंड भी नाल पे है, इन्हें खाना देना है, धो धो के इन्हें खाना सारा देंगे। तो यह जी चेयर रख दी हुई कि सियाली देना, छोटे छोटे सारे छोटे छोटे। एक टेबल से किनिया कुर्सियाँ, 6, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 कुर्सियाँ एक टेबल पर लगाई हुई, काफ़ी बड़ा टेबल। 1, 2, 3, 4, 5, 10 टेबल लगाए हुए, 10-10 कुर्सियाँ हर टेबल के उपर। तो ऐ देखो कख चुक लिए, बिच सोना नहीं लगता, ऐ दे टेबल के उपर खाना लगाया जाएगा। हाँ जी, शामी भाई आए थे तो उदो ना लगा रहे थे टेबल, तो हम मैं ना बाकी सारे हले सो रही हाँ, बच्चिया वाली कोई जड़िया उठिया हो, घर भी एक कनोपी लगी है, तो मैं लगता शायद बंदियों वास्ते एक कनोपी है और जो औरतों वास्ते घर वाली कनोपी है। हाँ जी, क्योंकि गाँव च ज़्यादा लोग होने काफ़ी घर है, तो सबनों दावत है, तो फिर शायद उन्होंने भी रोटी इतने खिलाई जाए, क्योंकि घर जरा ना चेयर घट लगाई वा, इतने ज़्यादा लगाई वा। कल रात ना ज़्यादा टाइम ना जागते रहे हैं, तो लेट सुते से, अज भी तकरीबन 11, 11:30 सुते हैं, तो इस करके मैं थोड़ा जहा लेट उठ गई हूँ। बंदे की रूटीन घर वाली ना बन जाती है, तो धुंद कल शुक्र नहीं पई, अज पई है। मम्मी जी ने अज ना मैनू आवाज़ा दे दे के जगाया, मेरा उठ खड़ कल तो बड़े टाइम ना उठ गई थी बरात ना जाना करके, लेकिन अज नहीं तू उठन दे। हूँ चाय मिठाई का नाश्ता करांगे इंशाल्लाह, तो उस तो बाद फिर अपना बाजिया काम वाली नहीं आ जाना, काम तो सानू कोई नहीं करना पैना। उस तो बाद शायद जरा ना मैं वैष्णो पार्लर लैके जाना वा, तो मैं और बाजी उसमें लैके जावे, मैं लगता कि बाजी उसमें बच्चे भी घर रह लेंगे, नाल शाहद आ गए तो रह लेंगे। हाँ जी, पार्लर वाली बाजी ना जेड़ा ना जिथे मैं तैयार हुई सी शायद उस पार्लर से लैके जाना, जो शायद होर पार्लर से लैके जाना वा, तो मैं और बाजी उसमें लै जाँगे। तो बाजी का तो बच्चे और रेंदे नहीं है बाजी तो बगैर, पार्लर लैके जावे। कल भी मैं वश माशाला बहुत प्यारी लग रही थी, इन्नी प्यारी लग रही थी, तो पार्लर तो तैयार हुई सी, तो बहुत सोहनी लगन रही थी, तो
समान भी सब सारे रिश्तेदार जेडे आए उन्होंने मैं वैसे पसंद किया वा और घर भी सब ने पसंद किया। फिर मलका उन्होंने भी फोन आया से मेरा भाई फियाज उन्होंने भी घर जरा ना ठीक कर लिया वा सोहना कर लिया वा तो वीडियो देखते ना पापी हुई तो उन्होंने कोई मजबूरी बन गई इस करके शादी। अच्छा जी मैं घर जा रही हूँ। किन्नी प्यारी लगती है कनोपी, बहुत पसंद है कनोपियाँ। सारे उत्ते ना प्याज कट कट के रखे हुए। अच्छा जी घर के मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल, प्याज टमाटर ए सारिया चीजा कुछ ना सैट करके रखिया हुई। अदरक भी छिल के रखा हुआ। अच्छा जी ए चेयर ये भी बिल्कुल ना सैट करके राती पाई गए है। इतने भी दस दस कुर्सियां लगिया। मैं विश्ते भाई का स्टेज इतने खाना लगा दिता जाऊगा। इधर कुछ बच्चे पे हले मिठू मामा का बेटा सुता वो क्योंकि बरामदिया च ना जगह घट सी ते कमरिया च भी फिर एक दो चार पाइया इतने कीतिया सी। कुछ मेहमान उधर भाभी के कमरे च कुछ अम्मी आले च कुछ भाई फियाज आले च कुछ बैठ कर कुछ फ्रिज आले च कुछ फिर भी हले ना बरामदे च पाए सके। मैं तो जूस मां तो बच्चे अस तो बरामदे च एक सैड से पे रहे हैं। मम्मी जी उन्होंने कुर्सियाँ उत्थे रख दी सी पखे एक जगह बहुत शॉर्ट सी। अभी तेरा ने यह वाला रूम लिया सी मेरे कपड़े खरा के उन्हें हिला गया प्रेस किए इन्ने सोहने ये खरा कि हिलाते अज मुझे मैं वेलवेट का सूट पाऊंगी। कबीर शायद छो रहे हो फिटर पी लिया मामा ने नहीं दिया अभी मामा लेके आ रही है। इस करके जी यह कमरे की सैटिंग नहीं सी कर रहे तो क्योंकि देखो इतने एक दो तीन मेहमान अज वलीमे तो बाद सारे अपने अपने घर चल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जरा ना सैटिंग खुद करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होंगी अपनी अपनी पसंद कर लेंगे तो अ दो तीन सूट में जरा वादू ही चक लिया। अच्छा जी हम चाय पीने मैं विश्वाबी भी नाश्ता करवानी हूँ। नाश्ता करवा के तो फिर अपना लेके जावे पार्लर क्योंकि मेहमान आते आने पहले ना पार्लर तो बंदा जाए तो दो ढाई घंटे ना लग जाते तैयारी के इस करके टाइम ना लैके जावे। गड्डी अपनी घर की है या भाई जवेर लै जूगा या भाई फियाज लै जूगा चलो देखो जेड़ा भी जाता वा तो मैं तो भाई जुजमा लैके जाती हूँ। नाश्ता पहले कर दी फिर पार्लर जाती हूँ तो उन्नी देर तक आके काम वाली मर्जी सारे बिस्तरे बुस्तरे इकट्ठे करते हैं सारे काम जो ना खत्म करते हैं तो ना तो असं भी अपने कपड़े जोड़े ना नाल लै जाएंगे उतों ही मतलब तैयारी करके असं भी नाल ही आ जाएंगे फिर क्योंकि तैयार होने का ना टाइम नहीं मिलना। अच्छा जी वीडियो लैन मैं इतने कर दी हूँ साड़ी अज की वीडियो जाना वा बहुत मुसरूफियत है दिन अच्छ पार्लर जाना वा नाश्ता करना मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक मैंने भी जुकाम हो गया वा। अगर साड़ी वीडियो भैन भाइयों अच्छी लगे लाइक करियो शेयर करियो सारे दिव्य इजाजत अल्लाह हाफिज़।